ये आप देख रहे हैं, ये आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी काउल सी बनाकर दिखाऊंगी विदाउट पैटर्न। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, तो जो इसकी लेंथ और विड्थ रखी है वो मैंने 19x19 इंच रखी है, मतलब इसकी लंबाई भी 19 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 19 इंच ही है, मतलब 19 इंच। अब हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। देखिए ये मैं एक स्लीव के लिए बना रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैं हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद अब हमें इसकी सबसे पहले यहाँ से हम बॉटम लेंगे, तो बॉटम अपने हिसाब से आपका जितना भी बॉटम हो स्लीव का उतना रखिए। मेरा 4 इंच है तो उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो ये 5 इंच पे देखिए मैंने रखा। और हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आपका जितना भी बॉटम हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, 1 इंच का मार्जिन लीजिएगा बस। और 10 इंच हमने लंबी स्लीव बनानी है, तो 10 इंच पे रखा हमने और इस तरीके से निशान लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे, आप लाइन सीधी ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप यहाँ से जो बॉटम साइड था यहाँ से भी आप 10 इंच पे रखिए और निशान लगा लीजिए और यहाँ पे आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम जो मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दूँगी, लाइन को बढ़ाने के बाद यहाँ से देख लीजिए 10 इंच है। अब यहाँ से हम आर्म होल लेना है, तो आर्म होल आप 7 इंच मेरा है तो उसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, तो इस तरीके से ये मेरा हो गया। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच, आप अपने हिसाब से 3 इंच या फिर 2.5 इंच रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें इस बॉटम को यहाँ से देखिए मैंने 7 इंच लिया था और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। देखिए हमने ये लाइन यहाँ से मिला दी बॉटम साइड पर। इसके बाद हमें इसमें शेप देना है, जैसे हम नॉर्मली स्लीव की शेप देते हैं वैसे ही हम इसमें शेप देंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी अंदर की गहराई का जो निशान है वो मैंने दिया है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आपने जितना बॉटम आपने जो स्लीव का लिए रखा था आर्म होल के साइड पे 8 इंच था उसका हमने हाफ किया तो 4 इंच होगा, तो 4 इंच पर रखिए और इस तरीके से मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद हमें जो ऊपर जो तिकोना साइड है इसका ऊपर साइड पे यहाँ से हमें इसकी जो हमने डिज़ाइन बनानी है वो करना है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए हमने ऊपर साइड पे रखा इस तरीके से, यहाँ साइड से हम सीधा लेंगे तो मैंने 11 इंच है मेरा एक्स्ट्रा ऊपर 11 इंच है, यहाँ से हम 2 इंच पे रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रखिए। तो मैंने 2 इंच रखा है और इसमें हमें शेप देना है। देखिए तो शेप के लिए आपको बस फ्री हैंड ही आपको शेप देना है, थोड़ा सा कर्व शेप देंगे, एकदम बिल्कुल तिरछी लाइन नहीं मिलानी है, थोड़ा सा इसमें हमें शेप देंगे क्योंकि हमें जो कॉल बन के आएगी इसी शेप में बन के आएगी। तो थोड़ा सा शेप आप बाहर थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम मत लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लोगे तो अच्छी रहेगी। इधर साइड पर मैंने 7 इंच लिया था तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया तो 8 इंच हो गया इस तरीके से मेरा। अब हमें देखिए इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक और बार दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और यहाँ से हम चेक कर लेंगे तो ये 15 इंच होगा मेरा, ठीक है। यहाँ से मेरा 15 इंच था और साइड से मेरा 11 इंच था, तो इस तरीके से आपको रखना है। और इसको देखिए हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से पहले जो इस तरीके से देखिए हमें मतलब हमें 1 इंच पर निशान नहीं लगाना है। मैं एक और बार पहले मैं आपको शेप इसका थोड़ा सा लाइट है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इस निशान को डार्क कर दिया, डार्क करने से आपको ये नज़र भी आ रहा होगा और शेप भी आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए इस तरीके से रखा है हमने और हमें देखिए जो हमें मार्किंग करनी है, तो जैसे मेरा 15 इंच था तो 15 इंच को हमें डिवाइड करना है। हम पहला मार्क 2 पे लगाएंगे, फिर 3 पे लगाएंगे, 4 पे हमें मार्क नहीं लगाना, फिर 5 पे, 6 पे, 7 पे हम मार्क नहीं लगाएंगे, फिर ऐसे ही 8 और 9 पे, हमें 10 पे मार्क नहीं करना, फिर 11 पे करेंगे, 12 पे करेंगे, 13 पे हमें मार्क नहीं करना, फिर 14 पे करेंगे और 15 पे करेंगे बस। तो एक पे हमें मार्क करना है और एक पे हमें मार्क दो पे मतलब एक पे मार्क करेंगे फिर हम मतलब हमें नहीं नहीं तो हमें दो पे मार्क करना है फिर एक पे छोड़ेंगे, ऐसे ही कर लेना है आपको। देखिए जैसे मैंने बताया था 1 पे हमने मार्क नहीं किया, फिर 2 पे, 3 पे किया, फिर 4 पे नहीं किया, 5, 6 पे किया, फिर 7 पे नहीं किया, 8 और 9 पे किया, तो मतलब इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। आपको इस तरीके से जब बनाओगे तो आपको 3 से 4 काउल बन के रेडी होके आएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा राउंड शेप में कट करिएगा और ये जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर रख के हमें नॉर्मल जैसे है वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से कट किया, यहाँ से भी साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे
और बॉटम साइड पे भी हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम स्लीव को अभी ओपन नहीं करेंगे। जो हमने निशान लगाए थे इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। देखिए इस तरीके से हमने ये सारे निशान को डार्क कर लिया है। अब हमें इस पर छोटे छोटे कट लगाना है क्योंकि हमें दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको छोटा छोटा इस पर हमें कट लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें कट लगाया। अब हम स्लीव को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो मैं इसको देखिए इस तरीके से रख लिया, हम इस तरीके से ओपन करेंगे। अब देखिए दूसरे साइड पे भी हमें इसी तरीके से सेम निशान मिल चुका है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए देखिए हमें जो 3 इंच पे जो मैंने मार्क करा था वो हम उठाएंगे और 2 जो हमारा सेकंड वाला मार्क है उसके ऊपर लिख के जाएंगे। मतलब फर्स्ट मार्किंग को हम छोड़ देंगे, सेकेंड पे हमें थर्ड वाले को कवर करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक के ऊपर इस तरीके से आपको प्लेट्स लगानी है। देखिए इस तरीके से किया मैंने। अब हम देखिए एक मार्क को हम छोड़ देंगे। फिर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, हम पहले वाले मार्क पे कुछ नहीं करना, हमें सेकंड वाले पे भी को थर्ड वाले के ऊपर रखना है। इस तरीके से देखिए थर्ड वाला हमने उठाया, उसको हमने सेकंड वाले के ऊपर रखा इस तरीके से। और यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले पिनअप कर लेती हूँ ताकि जो हमारी ये काउल है जो हमने इसमें प्लेट्स डाल रहे हैं वो खिसके नहीं। तो देखिए इस तरीके से, अगर आप चाहें तो कच्चा भी इस पर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से पिनअप कर लिया। अब देखिए हमें एक मार्किंग पे छोड़ देना है, फिर बड़ी वाली जो मार्किंग थी उसको उठाएंगे और इस पर कवर करना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जो हमने जो उसमें हमें कट दिख रहा है वो हम छोड़ देंगे और इसके बाद जो बड़ी वाली जो गैपिंग वाला कट है उसको हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर हमें कवर कर लेना है। देखिए इस तरीके से लिया हमने और कवर करते जाना है। बस आप वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी ध्यान दीजिए और जो आप वीडियो में देख रहे हो आपको उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये बना लेनी है। इस कट को हम छोड़ देंगे, फिर ये जो गैपिंग में है दूर तक वो लेके के आएंगे और इसके ऊपर रख के कवर कर लेना है। और यहाँ पे भी हम इसे पिनअप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पिन कर लिया। ये बहुत ही इजी मेथड है काउल स्लीव बनाने का। काउल स्लीव में बहुत से लोग मतलब पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न आजकल कौन बनाना चाहता है, तो आपको सबको इजी ही मेथड चाहिए। तो इसलिए देखिए इस तरीके से आप ये ब्यूटीफुल सी स्लीव बनाइएगा। अब सेम ऐसे ही हम जो दूसरे साइड वाला है वो करेंगे। हमने फर्स्ट को छोड़ा, फिर सेकेंड पे वाले को उठाएंगे और थर्ड वाले नहीं मतलब थर्ड वाले को उठाएंगे और सेकेंड वाले के ऊपर रख के इसको पिनअप कर लेना है। देखिए हो गया। अब जो छोटा वाला कट है उसको हम छोड़ देंगे। अब बड़े वाले कट को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रख के कवर कर लेना है। देखिए इसको हमने इस तरीके से लिया और कवर कर लिया। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट भी करते जाइएगा। तो देखिए इस तरीके से ये आप जो अगर आप सोच रहे हो कि काउल स्लीव किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि हाँ आपको सिल्क पे ही बनाना है या फिर आपको नेट पे ही बनाना है। आप किसी भी फैब्रिक पे बनाओगे, अगर आप ये कॉटन फैब्रिक पे भी बनाओगे तभी भी ये डिज़ाइन जो है नज़र आएगी। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। यहाँ से भी हम इस तरीके से रखेंगे और कवर कर लेना है इसको। देखिए इस तरीके से ये मैंने चार काउल बन गए हैं। देखिए अगर आप इसमें अगर इतनी बड़ी बड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए इस तरीके से ये मेरी 4 काउल बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसमें ज़्यादा काउल डालने हो तो जो मैंने 11 इंच की लेंथ रखी थी वो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी और स्लीव की जो लेंथ भी बढ़ानी रहेगी। तो जैसे सेम मैंने बताया था वैसा ही आपको स्लीव की लेंथ भी फैब्रिक के हिसाब से ही रखनी है आपको। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से काउल बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 काउल बन के आए हैं। और इसको बनाने के बाद देखिए हमें इसका पहले हम इसका जो आर्म होल मैंने 8 इंच लिया था तो उसको मैं चेक कर लूँगी कि ये कितना है। मुझे 7 इंच तैयार चाहिए तो 8 इंच रखा था मैंने। देखिए यहाँ से रखा हमने, तो ये देखिए 8 इंच और मतलब 1/2 इंच ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मैं एक और काउल बनाऊँगी तो जिससे ये मेरा आर्म होल का साइड का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही इधर साइड से भी चेक कर लेंगे तो इधर से भी 1/2 इंच ज़्यादा है। तो इसको भी देखिए हम यहाँ ऊपर साइड पे एक छोटा सा काउल बना देंगे, दोनों साइड से हम पिनअप कर लेंगे तो ये ब्यूटीफुल सी काउल बन जाएगी और आपकी जो स्लीव का लुक आएगा वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा इसका।
तो यहाँ से भी मैं रख के कवर करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक उठाया और छोटी सी इसमें प्लीट डालनी है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। तो देखिए मैं पहले इसको यहाँ से पिनअप कर लेती हूँ। देखिए मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हम इस तरीके से फैब्रिक पे प्लीट्स बना लेनी है एक छोटी सी, और यहाँ से भी हम इसे पिनअप कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये मेरी ब्यूटीफुल सी काउल स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें कोई तामझाम नहीं था, बहुत आसानी से मैंने ये बनाई है। और लेंथ देखिए मैंने 10 इंच रखी थी, तो ये 10 इंच की हमारी स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। इसको फैब्रिक पे भी इसी तरीके से लगाइए जैसे हम नॉर्मल स्लीव लगाते हैं, वैसा ही है ये लगेगी। और देखिए इसको बीच में से फोल्ड करोगे तो ये नज़र इस तरीके से आएगी। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।